ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर कर हुआ। लगभग लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। 239(a)(a)(3)(c) के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपिचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं।